जय श्री राम। हाउ आर यू ऑल डूइंग? यू नो, ग्रेट टू हैव यू ऑल। आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस फ्रॉम पुनीत जी। यू नो, ही इज द स्पोक्स पर्सन फॉर आप इन गुजरात। ओके, एंड वी हैव नरेंद्र भाई हु इज फ्रॉम वीएचपी हरियाणा, एंड वी हैव यति जी स्वामी जी हैं, यू नो, फ्रॉम हिमाचल। ओके, एंड वी हैव प्रीति जी फ्रॉम टोरंटो कनाडा। ओके, एंड Vinay ji hain from Toronto, Canada too. Okay, we are so happy to have you all, and let's get started. And you know, we will start from Puneet ji, who is from AAP. And you know, Puneet ji, glad you are here. Let me ask you this. You know, now you see Maharashtra government, you know, almost all the persons from the Shiv Sena came to your state. I don't know, what do you have there, you know, and everybody came there and almost the government is about to fall. Okay, and people are people in the party are challenging the dynasty, you know. This is a clear proof, or at least in the recent memories, after you know, Ram Vilas Paswan's party split, you know, in the same way, but that is too small to consider. You know, Shiv Sena is much bigger than Ram Vilas party's party, and you see that it split, and almost all the MPs, MLAs are against the leadership. Okay, how do you see this, Puneet ji? The defection law that we have in India is dating to 1985. 85 से ये 52nd amendment के बाद 10th schedule introduce किया गया था constitution. अभी इतने सालों में that law has been tried and tested. उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, सुप्रीम कोर्ट में कई चीज़ें गई, कई loopholes मिले. उसके कारण आज की डेट में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सभी पार्टीज आज की डेट में ये फेस कर रही हैं कि डिफेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है. और डिफेक्शन, आप ये बात ज़रूर समझिए कि डिफेक्शन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है. क्योंकि आज अगर डेमोक्रेसी की हम बात करें तो डेमोक्रेसी में डिफेक्शन एक तरह से लोगों के साथ कहते हैं जिसको धोखा करना या माना जाता है. अब 2021 में मार्च में ADR की एक रिपोर्ट आई थी. ADR की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 2016 से लेके 2020 तक का उन्होंने एनालिसिस किया था, जितने भी डिफेक्शंस हुए, उस डिफेक्शन में 450 के आसपास डिफेक्शंस हुए थे, जिसमें 45% पीपल जॉइंड बीजेपी समाउ, एंड 42% डिफेक्ट करने वाले लोग थे वो कांग्रेस में से थे. मतलब ये दो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी रही हैं हमारे देश में जिन्होंने एक तरह से बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस इस पॉलिटिक्स में लेके दे हैव एंटर्ड. अब आप दूसरी तरफ ये देखिए कि एक टाइम पे यही बीजेपी के अटल जी की सरकार थी जो एक वोट के कारण उन्होंने सरकार को लात मार दी थी. उन्होंने ये नहीं किया कि किसी को खरीदा फरोख की जाए और सरकार बनाई जाए उससे. तो आज के उस समय के मूल्यों में और आज के मूल्यों में बहुत फर्क पड़ चुका है. आज आप देखिए, आपने बोला कि वो गुजरात में पहले आए और फिर वो गुजरात से आज वहाँ गुवाहाटी में डेरा डाल के बैठे हैं, जितने भी डिफेक्टिंग MLAs हैं शिवसेना के. दोनों तरफ एक चीज कॉमन है कि दोनों जगह सरकार आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते होते आप ये भी देखिए कि आसाम में आज के दिन में इतने बुरी प्राकृतिक आपदा चल रही है, वहां के लोगों को दो समय का खाना नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, पर वहां पे एक अच्छी खासी मेहमान नवाजी चल रही है जो डिफेक्ट करके गए हैं उन लोगों की. अरे अरे पुनीत जी, वो तो बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं आप भी आ जाओ, हम आपको भी स्वागत करेंगे. मैं वही बता रहा हूँ, पर वो आज उनको किसका स्वागत करना है वहां पे, किसकी खातिरदारी करनी है, और उसके अलावा वहां पे उनके जो लोग हैं जिनको दो समय की रोटी मिल जाए वो भी आज वो लोग तरस रहे हैं. आज की मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था वहां से, आसाम से, कि लोगों को कच्चा धान दिया जा रहा है, कच्चा अनाज एक एक कटोरी दिया जा रहा है कि उससे आप गुजारा करिए. अब बोलिए जी, इज देयर अ रिवोल्ट हैपनिंग अगेंस्ट अनकैपेबल लीडरशिप सर? आर व्हेन द पार्टी गोस अगेंस्ट द प्रिंसिपल, रिवोल्ट इज वन थिंग. अगर वो रिवोल्ट होता तो आज यही आप वही बता रहा हूं मैं आपको, ये रिवोल्ट की बात नहीं है. रिवोल्ट होता तो यही एकनाथ शिंदे जो आज से
चार साल पहले ये कहते थे कि मैं बीजेपी के साथ बैठना पसंद नहीं करूं, मंत्री हूं तो मैं उनके सामने पैर नहीं जोड़ सकता तो हाथ क्या जोड़ूं, यही वो एकनाथ शिंदे है। तो मूल्यों की बात, आज बात रिवॉल्ट की नहीं है, मूल्यों की है कि आप क्या मूल्य लेके जा रहे हैं लोगों के पास और लोगों के विश्वास के साथ आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट गिव अ मिनट, ओके, वी विल कम बैक टू यू, ओके। यस नरेंद्र भाई, गो अहेड। पुनीत जी जो थे वो एंटी डिफेक्शन लॉ पे कुछ बोलने लगे, फिर पार्टी लाइन पे चले गए। एक्चुअली इशू ये नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ देश में जो लॉ है लॉ है, जो लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा इट इज एक्सेप्टेड, अगर लॉ के अगेंस्ट नहीं है तो नॉट एक्सेप्टेड। सिंपल मेथड है। लोकतंत्र जो है वो भावनाओं से नहीं चलता है, कानून से चलता है, कानून के हिसाब से चलेगा। एक डिफरेंट टॉपिक है। बाकी जो महाराष्ट्र में है वो दैट इज क्लियरली रिवॉल्ट है। तो 56 में से अगर 40 MLA भाग जाते हैं किसी के, तो इट इज अ केस ऑफ रिवॉल्ट। और ये क्यों हो रहा है? ये सिंपल है, जो नया न्यू चेंज है हिंदुस्तान में। न्यू चेंज क्या है कि आप बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी, दो पार्टियां मिलकर शासन नहीं कर सकती। और इस वक्त सबसे बड़ी आइडियोलॉजी हिंदुस्तान में वो है हिंदू, हिंदुइज्म। अब जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब पहले सरकारें गिरती थी बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म के अगेंस्ट, सेक्युलरिज्म के कारण लोग मिलते थे। अब उल्टा है, सिस्टम चालू हो गया है, जो नया रेनेसिज्म है जी हिंदुस्तान में, हिंदू रेनेसिज्म बोलते हैं इसको। अब बिकॉज ऑफ अलायंस जो होगा बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म होगा, एंड इन कमिंग डेज अदर स्टेट्स विल आल्सो फॉलो दिस। ये दूसरे प्रदेशों में भी निश्चित रूप से होने वाला है। और ये महाराष्ट्र में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से हिंदू अलायंस ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा लेट्स फोकस, जिसके कारण लेट्स फोकस ऑन द सब्जेक्ट, ओके। अलाइन हो रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल द पार्टीज इन इंडिया, यू नो, of course AAP's dynasty again, it is yet to come, I guess, you know, otherwise all the parties almost are dynastic politics, right, except BJP, you know. Yes, yeah, one second, main aa jaunga, aap note karke rakh lijiye Puneet ji, okay, you will get a chance again, okay, okay. Dynasty, and what kind there of is no future of you, now dynastic politics in these kind of situations on other parts of the country? There is no future of now. But do you agree that if Bal Thackeray would have been the leader, this wouldn't have happened? Okay, because of the there is a huge difference between the capable leadership and incapable leadership. That is the thing what I am asking. वो उस ideology को propagate कर रहा था और वो ideology grow कर रही थी। अभी जो उनका बेटा लोग समझने लगे कि हम लोग बाल ठाकरे का नाम लेके ही शासन चलाते रहेंगे बट आइडियोलॉजी छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं चलने वाला है। वोट जो वोट है वो आइडियोलॉजी को थी, सिर्फ बाल ठाकरे को लीडरशिप के लिए नहीं थी। वो आइडियोलॉजी एक बिग रोल प्ले करती है एंड दैट इज कमिंग डेज में सभी लोग देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स गो टू स्वामी जी। स्वामी जी, हर हर महादेव, ओके। मैं ये पूछना चाहूंगा स्वामी जी को, ये जो इनकेपेबल लीडरशिप के वजह से, मतलब और वाट एवर यू कॉल, ओके, आई डोंट वांट टू ब्रांड इट दैट वे, बट यू नो, ये गुड लीडरशिप, लाइक फॉर एग्जांपल, विल इट द सेम पैटर्न कैन फॉलो इन यूपी नाउ, बिकॉज अखिलेश यादव हैज लॉस्ट बोथ द सीट्स विच इज सो कॉल्ड द बैस्टियंस ऑफ द यू नो समाजवादी पार्टी, ही कुडंट मेक इट लाइक हिज डैड, यू नो। So, do you think this kind of revolution that happens, that will vertically split the party, you know, more effectively, will it happen in other states like UP and more? Swami? हाँ, तो मैं यही बात कर रहा हूँ, जैसे अपने यूपी का अखिलेश जी का कंपैरिजन शिवसेना से कर रहे हैं आप, बिल्कुल वही स्थिति में जा रही है शिवसेना आज के समय में, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि शिव सैनिक महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के खिलाफ बहुत मतलब वो कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि यहाँ पे आओ, और उनकी पार्टी भी, उनके जो लोग हैं वहां पे, वो भी मतलब सड़कों पे आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हिंदू इतना इस राजनीति के लिए इतना पागल क्यों हो गया है, केवल सत्ताओं को और नेताओं को
प्रफुल्लित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए। अभी हमारे नरेंद्र भाई जी बोल रहे थे कि जो हिंदी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, बिल्कुल वही होना चाहिए था। लेकिन आज उसके लिए हमारे सारे संगठन, मैं माफी के साथ चाहूंगा कहना चाहूंगा कि हम लोग कहीं ना कहीं बहस के लिए, उसका कारण है, उसका कारण है कि अभी हाल ही में एक हमारा साथी अफगानिस्तान, साद वाला देश, जो कि हिंदू राष्ट्र था, आज वो एक राक्षसी तालिबान मतलब टेरर आतंकी आतंकवादी राष्ट्र बन गया है। जहां पे अभी कुछ दिन पहले हमारे सिखों का गुरुद्वारा है उसके ऊपर हमला हुआ। लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वहां पे ऐड भेज रहे हैं, वहां पे दवाइयां भेज रहे हैं, वहां पे मतलब राशन भेज रहे हैं, वहां पे पता नहीं क्या क्या चीजें भेज रहे हैं, किनको भेज रहे हैं वो, तो ये कौन सी हिंदुत्व की बात हो गई। और अभी जो अगर हम हिंदुत्व की बात करें, खैर टॉपिक लंबा चला जाएगा, लेकिन जो आज के समय में, जो बाल ठाकरे के समय में शिवसेना थी, आज वो शिवसेना नहीं है। और अगर वो शिवसेना हिंदुत्व की बात नहीं कर रही है तो उसका कारण मात्र राजनीति है। ये राजनीति पता नहीं देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदुओं का सर्वनाश इसमें पक्का हो रहा है। अभी अभी दिलीप जी एक अभी हाँ मैं एक एक मिनट एक मिनट अभी अभी जैसे जितने भी विधायक पहले गुजरात में बैठे थे, अब जाके गुवाहाटी में बैठे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये सारा का सारा खर्चा क्या ये जनता का नहीं लग रहा है। और ये इतना जो काम जो एक विधायक का या एक मंत्री का काम कार्यभार है, उस वो जो डिले हो रहा है, उसके लिए प्रिंसिपल कौन है? अगर हम जनता की बात भी करें, स्वामी जी, स्वामी जी, मंत्री लोग तो जेल में भी बैठे हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गया? किधर तो बैठना है उनको। दो तीन मंत्री तो महाराष्ट्र से जेल में बैठे हैं, वो फिर भी मंत्री है, राइट? अभी ये गुवाहाटी में बैठ गए तो क्या हो गया? लेकिन लेकिन जो दो तीन मंत्री जेल में बैठे हैं वो सरकारी जेल में बैठे हैं, ये सेवन स्टार में बैठे हैं, यहाँ के ये सेवन स्टार में बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जनता, जैसे अभी अभी पुनीत जी ने कहा कि जनता भूखी मर रही है, वहां पे बाढ़ आई है, बाढ़ में जनता भूखी मर रही है, और लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं है, इनको किसी से ना हिंदुत्व से मतलब है, ना इनको किसी जनता से मतलब है, इनको केवल अपनी सीटों से मतलब है, अपने निजी हित के मतलब है। स्वामी जी ये बोलिए, अब अगर नेक्स्ट लेवल का लीडरशिप जैके जहां भी यू नो राजीव गांधी को तो प्रूव करने का टाइम ही नहीं आया, वो हार गए फिर गए, ओके, तो अब राहुल गांधी हैं कनाडा कांग्रेस में, या अखिलेश यादव जी हैं यूपी में, तमिलनाडु में स्टालिन हैं, बहुत सारा ऐसा पार्टीज हैं, राइट, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप उनका पिताजी जैसा नहीं है, फिर भी वो उस नाम पे काम चलाते हैं, धंधा चलाते हैं, इन सब को ये बात मिलेगा क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, ये बात मिलेगा क्या अभी? जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं वो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा क्या महाराष्ट्र? नहीं नहीं नहीं, इनको इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे खत्म होंगे। लेकिन समस्या ये है ना, समस्या केवल अगर राहुल गांधी या अखिलेश यादव या जो भी मतलब अपने पीढ़ी बात उनको रखते थे, लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या वो है जो इससे उनके बाद हमारे यहाँ पे 2029 में इस प्रधानमंत्री की सीट पे बैठने वाला है। समस्या वो इस्लामिक जिहाद है, जो 2029 में प्रधानमंत्री बनके बैठने के बाद जितनी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर चर्चा पता क्या होंगी, जैसे पाकिस्तान में चर्चा हो रही ना कि एक हिंदू की औरत के जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसके बच्चे का सर उसके गर्भाशय में ही काट दिया, सर दर्द से अलग कर दिया, दर्द निकाल दिया, वो गर्भाशय में डाल दिया, ठीक है? तो फिर उसके बाद चर्चा ये ऐसी होंगी। ओके, बिल्कुल स्वामी जी, दोबारा आएंगे आपके पास, है एक मिनट प्रीति जी के पास जाएंगे। प्रीति जी, आप कैसा देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो डाउनफॉल हुआ? यू नो ठाकरे जी सिर्फ अभी उनके पास नाम है, गवर्नमेंट गया, पार्टी गया लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये सब आपका घर आ गए सूरत को, आप क्या चमत्कार कर रहे हैं मालूम नहीं। ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो
एक्चुअली ये 100% रिवॉल्ट है और ये होने की वजह भी है क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने जो इलेक्शन जब जीता तो बीजेपी की अलायंस पार्टी के तौर पे जीता था, कोई अकेले शिवसेना ने नहीं जीता था. ओके तो ये उनका लीगल एंड मॉरल ड्यूटी था कि वो बीजेपी के साथ रहते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए वो अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते थे और बीजेपी ने आउटराइट इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने विचारधारा से बिल्कुल विपरीत विचारधारा रखने वाली कांग्रेस और एनसीपी के साथ समझौता किया. और उस वक्त उद्धव जी ने somehow मुझे लगता है उनके बेटे को सीएम बनाना किसी ने भी नहीं एग्री किया होगा, इसीलिए खुद बन गए सीएम. ओके तो ये एक हकीकत है. और दूसरी बात कि ये उनकी आप देख लो ना, पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है अगर आप उसका एक रिव्यू करेंगे आज के डेट में तो आपको पता चलेगा कि जो शिवसेना स्टॉन्च हिंदुत्व को बिलीव करती थी और अपना हमेशा एटीट्यूड स्टॉन्च हिंदुत्व का रखा, बाला साहब ठाकरे कौन थे जिन्होंने हिंदुत्व को स्टॉन्च हिंदुत्व बनाया और पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में ही वॉज नोन फॉर हिज स्टॉन्च हिंदुत्व, वहां से हटके ये बंदा धीरे 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 इतना गिरता गया कि आज के डेट में वो स्टॉन्च मुस्लिम पार्टी हो. अब समझ रहे हो ये डिफरेंस. अब आप एक पूर्व था और ये पश्चिम पे आ गया है, तो ये अगर इस तरह का वो कोई भी सिर्फ सत्ता के लिए किसके लिए है, मुझे नहीं लगता कि ये महाराष्ट्र की जनता के लिए किया है, ना कोई हिंदुत्व के लिए किया है, ना अपनी पार्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको सपोर्ट करने के लिए क्या? नहीं, ये सारा सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत ऐशनाओं को आगे रखने के लिए, व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए और किसी और चीज के लिए नहीं किया. तो इनका इम्पैक्ट दूसरा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में कैसा होगा? इम्पैक्ट तो होना ही है. देखो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वैसे भी कभी भी कहीं भी सही है ही नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि बाप कैपेबल हो इसलिए बेटा कैपेबल हो. और वो तो हमें दिख ही रहा है महाराष्ट्र में ही, देख लो कहां बाला साहेब ठाकरे और कहां उद्धव ठाकरे और कहां वो आदित्य ठाकरे, कोई मेलजोल ही नहीं. ठीक है, अरे दिल्ली में भी है अपना बंदा, देखो कोई कंपैरिजन नहीं है. राइट, क्या है आपका आपका एक्स पार्टनर है पुनीत जी, सॉरी दिल्ली में भी बैठे हैं अपना बंदा, दिल्ली में बैठा हूं पुनीत जी बैठे हो, लेकिन एक सवाल भी उठाया आपने, पहले भी सवाल उठाया. एक मिनट पुनीत जी, एक मिनट अभी आ जाएंगे, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं. ये जो है ना, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स किसी के भी लिए अच्छा नहीं है, ना देश के लिए अच्छा है, ना प्रजा के लिए अच्छा है, ना किसी भी धर्म के लिए अच्छा है. तो ये होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल. हाँ, अगर कैपेबल बेटा है तो अपनी हैसियत खुद बनाए ना, फिर वो कुछ आगे आके बोल सकता है. पर आपको ये राज इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि आप फला फला के बेटे हो, तो ये बिल्कुल गलत है और ये बंद ही होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. व्हाट डू यू थिंक विनय जी, व्हाट्स योर इनपुट? या नमस्ते जी. So my opinion is actually, I go back to an interview that Bal Thackeray had done several years ago, and he had mentioned that, you know, if ever Shiv Sena ever have to join Congress, right, he would close his shop. Yes. नहीं अरे वो तो अपने भाई भी बोले थे अरविंद केजरीवाल जी, वो बोलेंगे नेक्स्ट टाइम पुनीत जी जब बात करेंगे तब बोलेंगे, वो भी बोले थे मैं बंद कर दूंगा दुकान. The irony is also another thing, right? Akhilesh Yadav, when he lost elections in, when his party did not win, any big numbers in the 2014 elections, MP elections, right? He mentioned that, you know, if this happens again, I'm going to quit politics and go. But this is very common in politics. People say these things and it keeps happening. And so this is especially in dynastic politics. Now you got three wings of, you know, you got Raj Thackeray, Uddhav Thackeray, and now this this new guy. Okay. So now everybody is kind of in a turmoil, especially the ground workers. Like, who are we going to follow? Do we follow the Raj Thackeray version where he created a big scene about Hanuman Chalisa?
or do we go after Uddhav Thackeray, who has gone totally against the principles of Shiv Sena, totally against, okay, by joining what his father said the party should never do. And then, just for the sake of power, all he wanted to do was become the chief minister. In the past, Shiv Sena has always been in the background, never after power. They have always kind of supported the government in whichever way, whatever way. And their main ideology is Hindutva. But Uddhav Thackeray beat all of that just for the sake of power. Now, you got this other guy, this third guy who is actually stationed in Assam with 42 MLAs. Shinde. Yes. And this man is now mobilizing the Shiv Sena workers, the ground level workers. And even there was a big meeting about with the corporators as well. He's also mobilizing the corporators and the ground level workers to kind of support him. So now the Shiv Sena workers are in a turmoil. Like, what the hell am I going to do? Who do you think is the biggest loser? The biggest loser is the party. Because the party is now split into three. Because the party workers are totally confused. And this happened. And the people of Maharashtra. Because you know what? Uddhav Thackeray stabbed the people of Maharashtra in the back because originally he was supposed to ally with BJP. No, you cannot say that. He vacated the official home already. I don't think so. But what I mean, just to sum up your question, right? How is this going to impact the politics in the future of India? The dynastic politics has to go. This is not going to happen. This is not going to sustain. Yes. Vinayji. Trudu ka beta Trudu. Trudu Zindabad. Yeah, this is what is happening in Canada. Bush ka beta Bush hai. Lekin jab bhi beta aaya hai na, baap ko acha khela hai. Yeah. Zyadatar jab behne par beta kahein, wo baap ko acha khela hai. But you know, dekh lo kisi ki bhi baat kar lo, aap comparison karo to baap nahi ban sakte, bete ho bete. The irony is even Trudeau is losing his majority. Now he is coming to a coalition. So this is what's happening. Very right. Okay, just yes, we'll start with Puneet ji again. Okay, counter. जो भी मिस्टर शर्मा नरेंद्र पाल शर्मा जी ने उन्होंने बोला कि लॉ ने ये कहा था कि नई लॉ जो डिफेक्शन का बना था आज वो आउटडेट हो चुकी है, बार नहीं है अगर के कानून बदलने की मांग, क्योंकि अगर आज मैं नहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी स्पोक्स पर्सन से आप पूछिए तो वो यही कहेगा कि डिफेक्शन सही चीज नहीं है और डिफेक्शन ही चाहिए। तो अभी तक का जो डिफेक्ट ढूंढ के हमारे नेताओं ने आज की रिपोर्ट की बात की कि कांग्रेस के 42% डिफेक्ट, तो आज की डेट में ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पे जो बिजनेस चल रहा है सरकारें बनाने और गिराने का, आज लोग वोट देकर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी देते हैं और उसकी जगह आज गोवा में देखिए 2017 में आप में से हिमाचल यूनिट पूरा मिल गया बीजेपी में, आप उसको काउंट नहीं करते। आज दो मैंने सुना था गुजरात का यूनिट भी नहीं हो रहा है, वहां का मैं ऑफिशियली कह सकता हूं कि नहीं हो रहा है। अब 2017 जब गोवा में सरकार इलेक्शन वो डिफेक्ट करके बीजेपी की सरकार बनी, मतलब जो रुझान था वो उस तरफ नहीं था पर वहां सरकार बीजेपी ने बनाई, तो इसलिए मैं कह रहा था कि डिफेक्शन का लॉ जो आज की डेट में है उसको रुझान नहीं है, सरकार बनाने है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। दूसरी बात हो रही थी, आपने पूछा कि दिल्ली में डायनेस्टी है, तो दिल्ली में डायनेस्टी नहीं। आप सर देखिए, डायनेस्टी जहां भी होगी ना वो एक स्टेट में फिर लिमिटेड रह जाएगी। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद ये गुवाहाटी, तो वहां पे भी आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, तो चंडीगढ़ इलेक्शन में भी वहां पे भी हमारे मैक्सिमम कॉर्पोरेटर्स जीत के आए। आम आदमी पार्टी अभी साउथ की तरफ भी जा रही है, तो बात ये नहीं है कि डायनेस्टी अगर पर डायनेस्टी जो होती है ना उसको हर स्टेट में फॉलोअर नहीं मिलेगा, डायनेस्टी को फॉलोअर नहीं मिलेगा, आइडियोलॉजी को फॉलोअर। पार्लियामेंट में जीरो, पार्लियामेंट में हो गई है जीरो, राज्यसभा में हमारे लोकसभा भी लोकसभा में जीरो हो गई है, राज्यसभा में हम फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है, तो लोकसभा में जीरो हो गई है, वहां भी आएंगे अच्छे से आएंगे वापस आएंगे। मेरी बात मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता था कि इसीलिए मैं कह रहा था कि आइडियोलॉजी जो होगी ना वहां पे अगर लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो एक स्टेट से डायनेस्टी होगी तो एक या दो स्टेट फॉलो कर लेंगे, आइडियोलॉजी होगी तो उसको मल्टीपल
फॉलो हेल्थ केयर, ये सब हमारी आइडियोलॉजी जो हम लेके लोगों के लिए चल रहे हैं, लोगों का आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। अलावा था कि बाला साहब ठाकरे के बारे में भी बीच में डिस्कशन हुआ, वो मैं एक इंटरव्यू उनका मैंने, उन्होंने ये कहा था, उनको पूछा गया था मगर चंडीगढ़ में तो बीजेपी का म्युनिसिपल क्या होता है, क्लोज मतलब बंद भी होता है, क्लोज क्लेरिफाई किया इंटरव्यू में एंकर ने। तो उन्होंने बोला कि आइडियोलॉजिकली क्लोज होने के लिए मेरे कि लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, ये कहता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आगे बढ़े और लोगों की नौकरियां जाए। तो सर ये फर्क है दोनों में, अगर आप आइडियोलॉजी की भी बात करें तो हमारे वहां पे अगर आइडियोलॉजी भी है। अब बीच में आपने मेरे को दिल्ली में आप भी पार्टनर थे अरविंद जी का, कांग्रेस के साथ आप भी पार्टनर थे ना 49 डेज के लिए, और वहां के लोगों से पूछ के सरकार बनाई थी, और वहां पे अगर अड़चन आई हमारी सरकार में तो हमने उसको ले लिया। जवाब देना का जवाब देना होता है and then he resigned and then he realized he won't get any more positions, so he just again kya kehte the ki main jail mein dalunga unhone aate se itne saal rahe wo kyun chale the kitna kuch aaj delhi mein teen mein parliament mein गवर्नमेंट ऑफ एनसीपी एक्ट पास करके जो पावर्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास थी आज वो पावर्स भी ले ली, बोल रहे कि वहां पे हम ये करके दिखाए तो वो करके पार्टी ही एक पार्टी है जो लोगों से पंजाब में संगरूर में करेंगे जी यस सुनी चाहिए आम आदमी पार्टी प्रीति जी वन एट अ टाइम पंजाब में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए वो भी लोगों से पूछा गया था और लोगों का राय ली गई थी। अगर हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को इन्वॉल्व करने का आपका जो नायाब तरीका है ना वो जरा मुझे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में आ गया। अरे अरे प्रीति जी ज्यादा मत बात कीजिए, पंजाब पुलिस कनाडा भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, क्या फर्क पड़ता है। बोलना चाहता हूँ डेमोक्रेसी है कि डायनेस्टिक नहीं होना, जब तक डायनेस्टिक रूलर हैं इसका मतलब देश में डेमोक्रेसी नहीं। वो तो दिल्ली गए अभी, उधर से सीधा फ्लाइट लेके कनाडा भी आ सकता है आपको पकड़ने के लिए। ओके ओके नरेंद्र भाई क्विकली यानी रीबटल ओके प्लीज। अच्छा काम है आइडियोलॉजी, जब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होगा तो आइडियोलॉजी नहीं चलेगा, फिर डायनेस्टी चलता है और कोई रूल चलता है। इसलिए लोकतंत्र को हेल्थी करना है तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। मैं तो कहूंगा पार्लियामेंट को आपके चैनल से आह्वान करूंगा, पार्लियामेंट बैठ के कानून बनाए कि एक जो भी 15 साल तक उसको बन ही ना सके, किसी पोस्ट पे आ ही ना सके, ऐसा कानून बनाना चाहिए। डायनेस्टिक रूल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है आज की डेट में, सबसे बड़ा खतरा। और देश का नुकसान इस डायनेस्टिक रूल ने किया है। राज्य में देख लो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो, डायनेस्टिक रूल ने आज तक जितना देश का उतना किसी भी तंत्र ने नहीं किया। ये बड़ा नरेंद्र भाई बेकार तंत्र है। ज्यादा जोर से आवाहन मत कीजिए, मैंने अभी सुना था कि शिरोमणि अकाली दल को वापस लेने के आने का काम चल रहा अभी। नहीं, वो शिरोमणि अकाली दल तो बेचारी अब पार्टी को लाल बात तो बेचारी पंजाब सभा क्योंकि वो शक्ति वो भी हाथ से गई और खड़ी हुई है, कल और जगह खड़ी होगी, कैसे करेंगे कंट्रोल जाने। लेकिन टॉपिक पे हटके नहीं बोलता, डायनेस्टिक रूल और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फॉल का रीजन डायनेस्टिक रूल सब जगह खत्म होगा क्योंकि आइडियोलॉजी ग्रो कर रही है। वीएचपी अच्छा काम कर रहा है, सबको सन्यासी और न गृहस्थ लोगों को जो जिसको शादी नहीं हुआ उनको प्रधानमंत्री बना देते हैं, फिर वंशवाद का पॉलिटिक्स ही नहीं होगा,
ये तो अच्छा ये तो काम कर रहे हैं आपको पता लगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारे हिमाचल में जब मतलब यूपी में भी जब सपा पार्टी थी, जब मैं कांग्रेस पार्टी थी, तब वो जितने भी लोग थे ना, जितने भी ये बीजेपी के लोग थे, हिंदुत्ववादी लोग थे, ये सारे हम थी और बीजेपी का मतलब। लेकिन समस्या ये होगी जब से, और ये भी वही काम करने लग पड़े जो कार्य पिछली पार्टियां कांग्रेस और सपा कर रही थी। तब हमने जब बोलना आरम्भ किया तो ये बोलने लग पड़े कि तुम तो कांग्रेस ही हो और तुम सपा ही हो। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, हमारा देश कल भी वही वही है और हमारा देश आगे भी वही। स्वामी जी का हिंदुत्व है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आपको लोग बोलते हैं आप समाजवादी पार्टी का बहुत करीब हैं, आपको तो बहुत सारा कबर होगा अंदर का, यू नो यूपी में क्या देखिए आपने दिलीपन जी, हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है ना, जो हमारा मेन ध्यान है ना, वो केवल सत्ताधारियों पे है और हिंदुत्व पे है, कि जो हमने जिनको हम सत्ता का नाम लेके आए हैं या अपना कर्तव्य निर्वहन है, हमारा इतना रहता है। और हमें हमें ना सपा से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना आम आदमी पार्टी से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें जी स्वामी जी ने कुछ कर दिया, फिर भी आपको स्वामी जी, फिर भी आपको एसपी का खबर तो होगा कुछ ना कुछ, आप कुछ बता सकेंगे इधर समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, बल्कि आपको तो खबर होगा ही होगा, फिर भी बोल सकते हैं आप क्या हो रहा है उधर, ये दोनों हारने के बाद क्या होगा, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। जी जी, जैसा जैसा कि आपने सवाल किया कि लोगों का विश्वास पे हिंदू का है कि नहीं, तो मैं उसी के लिए कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है या दिल्ली में जीती है या बाकी जगह में सीटें निकाल रही है, तो इसका मतलब है हिंदुओं का बीजेपी पे हिंदुत्व के नाम पे वोट देने का कार्य खत्म हो गया है, केवल उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो वोट दे रहे हैं बीजेपी को, या वो मतलब पार्टी बने हुए हैं इसलिए वोट दे रहे हैं, और हिंदुत्व के नाम वोट अपनी बीजेपी को बहुत कुछ लोग दे रहे हैं, जिनको जिनको कुछ पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे वोट इनका बिल्कुल खत्म हो गया है। ये क्या हो रहा है? हाँ जी, बीजेपी जीत रहा है, ओके, ग्राउंड लेवल में डिफरेंट फीलिंग है क्या हिंदुत्व के बारे में बीजेपी के जी नरेंद्र, इनको बोलूंगा थोड़ा रिपीट करें, उनको जवाब दे दूं मैं, क्या हो जरे हिंदू के वोट कम हो रहे हैं, अखिलेश कहीं हिंदू नहीं, अखिलेश जी को नहीं जा रहे हैं, और नहीं हो सकता है अखिलेश को भी जाए, क्योंकि क्योंकि अखिलेश जी अखिलेश जो कर रहा है वही मोदी जी कर रहे हैं, वही बीजेपी अखिलेश जी कर रहे हैं, अभी हमारा नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट उसमें आएंगे हम लोग मोदी जी के ऊपर, जो 2002 गोधरा कांड, तो उसमें उसमें हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन आप नरेंद्र जी आप खुद ही इसके इसकी गवाही दे रहे हैं कि हमारे जो नेता है वो हिंदुत्व के लिए है। जो करेंगे वो बचेंगे, जो नहीं करेंगे वो चेंज हो जाएंगे। नहीं बस मैं तो यही कह रही हूँ कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो बिल्कुल खत्म ही होना चाहिए, और एक हिंदुओं को मेरी हमेशा से ये अपील रही है और आज भी ये अपील रहेगी कि आप अपने छोटे मोटे पर्सनल स्वार्थों को छोड़ के देश हित को देख के वोटिंग करें, न कि किसी पार्टी को वोट करें, न किसी किसी भी व्यक्ति को वोट करें, पर सिर्फ देश हित को देख के वोट करें।